प्रत्येक वार्ड में एक स्मार्ट स्कूल और हर वार्ड में स्मार्ट क्लिनिक खोलने के वादे के साथ कांग्रेस महापौर पद की प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 71 के तेवर ग्राम पहुंचे अन्नू सिंह ने त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना कर सबके लिए खुशियों का वरदान मांगा। उसके बाद क्षेत्र की जनता से मुलाकात की। कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने वार्ड क्रमांक 71 तेवर में स्थित मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अपने दिन भर के जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्र के विधायक संजय यादव भी उनके साथ रहे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अन्नू सिंह ने तेवर वार्ड की जनता से मुलाकात की और उनसे वादा किया कि अब उन्हें उपेक्षा नहीं झेलनी पड़ेगी, योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य कराए जाएंगे। आज बरगी विधानसभा और पनागर विधानसभा का जनसंपर्क माननीय संजय यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग तेवर में माँ त्रिपुर सुंदरी के हम लोग ने दर्शन किया, आशीर्वाद लिया और माननीय हमारे विधायक संजय यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग यहाँ से जनसंपर्क अपना शुरू कर रहे हैं। नगर निगम से नहीं लूँगा, जैसा कि माननीय विश्वनाथ दुबे जी ने किया था। जो भी लोग आगंतुक, जो भी वहाँ पर लोग जबलपुर शहर के नागरिक आएंगे, उनके काम किए जाएंगे और उनका भी जो वहाँ पर नाश्ता पानी है, जो भी खर्च होता है, वो खुद के साधन संसाधन से होगा। नगर निगम में आम जनता के जो टैक्स का पैसा है उसका इस्तेमाल एक भी रुपये पूरे 5 साल नहीं किया जाएगा। और मां नर्मदा में गंदे मिलने वाले नालों को रोकने के लिए जो पहली फाइल पहले घंटे में महापौर बनने के बाद जो दस्तखत की जाएगी, उसमें हमारे परिवार की ओर से 1,11,000 रुपए की राशि बतौर जन भागीदारी उसमें मिलाई जाएगी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ। मेरे कहने के बाद हम लोग जो कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उसको फॉलो करते हैं। अच्छी बात है कि अगर हम लोग अच्छी बातें कहते हैं तो उसको हमारी बातों को सीख कर वो कहते हैं। हम लोग की अच्छी बातें हैं उनको भी कहना चाहिए, ये हम लोग बहुत पहले से कहते हैं। अन्नू सिंह ने कहा कि कोरी घोषणाओं से विकास नहीं होता है, शहर विकास के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।